मैं जनता दल पार्टी की जानिब से और जनाब एस डी देवेगौड़ा साहब की जानिब से, जनाब एस डी कुमार स्वामी साहब की जानिब से, तमाम हिब्बाड असेंबली हल्के के हमारे पार्टी के लीडरान, पार्टी के वर्कर्स, उनके सब के जानिब के जानिब से मैं रमज़ान की पुरखलूस मुबारकबाद देता हूँ और मैं सारे मुसलमानों को रमज़ान में इत्तेहाद के साथ और इत्तेफाक के साथ रमज़ान में सब मिलके दुआ करें और अल्लाह ताला से अमन और खुशहाली के लिए दुआ करें। आखिर में रमज़ान की मुबारकबादियाँ और रमज़ान की बरकतों से सारे कायनात, तमाम मुसलमानों की हिफाजत और तरक्की और खुशहाली ज़िंदगी की दुआ मांगता हूँ अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला हम सब के दुआओं को, नमाज़ों को, रोज़ों को और ज़कात और जितना भी हमने रमज़ान के अंदर इबादत की है उसे अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं ये कहते हुए एक बार और रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। रेशन किट हो या कपड़ा हो, जैसे साड़ियाँ हमारे हल्के के जिले से लीडर जनाब अब्दुल्ला हकीम साहब, बाबू साहब और फिरदौस वार्ड नंबर 46 वार्ड नंबर 23 के, इन्होंने अपने ज़ाती पैसों से लोगों को राशन किट और साड़ियाँ तस्कीन किया है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, उनके फैमिलीज़ के लिए, उनके घरों में पहुंचाया गया है। जेडीएस एक सेक्युलर पार्टी है और जेडीएस का मानना ये है कि भाईचारे के अंदर और इंसानियत में और सारे मजहबों को साथ में लेकर चलने के, तभी हमारे कर्नाटका की और हमारे कौम की हिफाजत और तरक्की है। इन्होंने वो वॉइस ऑफ बैंगलोर न्यूज़ चैनल के सब्सक्राइब आपके कई कूड़े सब्सक्राइब बटन क्लिक माड़ी हाँ अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस माड़ी।